अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4,000-5,000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4,000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत बहुत महान है, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए, मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा दोस्तों। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये,
और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है, बड़ी सोच समझ के कही है, वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। दोस्तों, पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए 20 घंटे हो गए। इन 20 घंटों के अंदर भी मैंने रात भर में जनता से बात कर रहा था, लोगों से फोन कर रहा था। रात को आंधी आई थी, पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से, मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही।